हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैंने अपने इस चैनल पर काफ़ी सारी नेचुरल होममेड ब्यूटी सोप की रेमेडी आपके साथ शेयर की हैं। इन नेचुरल सोप में ना तो कोई कास्टिक सोडा यूज़ किया गया है, ना ही कोई सोप बेस यूज़ किया गया है। उसी सीरीज़ में मैं आज एक और नेचुरल होममेड ब्यूटी सोप लेकर आई हुई हूँ, जो मैंने हल्दी और चंदन से तैयार की है। ये हल्दी चंदन सोप हमारी स्किन से जो डार्क स्पॉट्स हैं उनकी प्रॉब्लम दूर करती है। स्किन के जो पोर्स बहुत लार्ज हो जाते हैं उन्हें क्लोज करती है और अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम दूर करती है। इससे स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आता है और इस सोप के यूज़ से आप काफ़ी फ्रेश फील करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमने अपनी ये सोप किस तरीके से तैयार करनी है और हमें इसका कैसे यूज़ करना है। हल्दी चंदन सोप बनाने के लिए यहाँ मैंने एक साफ़ खाली बाउल लिया है और उसमें 3 चम्मच चंदन पाउडर लिया है, जिसे इंग्लिश में सैंडलवुड भी बोलते हैं। चंदन पाउडर हमारी अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम दूर करता है, ओपन पोर्स को क्लोज करता है और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम को दूर करता है। फिर यहाँ मैंने इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स किया है। हल्दी पाउडर हमारी स्किन को फेयर करता है। फिर इसमें मैंने यहाँ रोज़ वाटर मिक्स किया है। ये हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला अपना पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा डालते रहें और इसके लम्ब्स को रिमूव करते हुए हमें एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। इसे अच्छे से लम्ब्स निकालते हुए हमें अपना मिक्सचर को तैयार करना है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स किया है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को नरिश करेगा, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और फिर इसके बाद यहाँ मैंने इसमें 1 चम्मच हनी शहद लिया है। शहद हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, हमारी स्किन पर ग्लो लाता है। इसे भी हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल लिया है, वो हमें इसमें मिक्स करना है। ये जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया है, ये नॉर्मल स्किन और ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा सोप बनकर तैयार होगा हल्दी चंदन का। लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, वो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल की जगह 1 चम्मच नींबू का रस मिक्स करके अपना ब्यूटी सोप का मिक्सचर बनाकर तैयार करें। और फिर इस मिक्सचर को हमें बहुत अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। इसमें जितने भी लम्स हैं उन सबको रिमूव करते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और एक अपना एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। यहाँ मैंने इस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, जिससे कि कोई भी पार्ट कट ना हो और हमारा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट एक समान मिक्सचर में आ जाएं। अब हमारा ये एक स्मूथ सॉफ्ट सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ मैंने एक आइस ट्रे ली है और उसमें मैं इसे सेट होने के लिए रखूँगी। अब इस ब्यूटी सोप को हम अपने फ्रीजर में 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। हल्दी चंदन सोप बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इनमें से एक अपनी स्किन पर हाथ पर अप्लाई करके दिखाऊँगी। सबसे पहले हमें अपने हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेना है, जहाँ भी हम लगा रहे हैं उसे गीला कर लें। और फिर उसके बाद इसमें से एक क्यूब निकालें और उसे अपनी स्किन पर इस तरीके से अप्लाई कर लें। और फिर 5 मिनट तक उसे ऐसे ही लगाकर छोड़ दें। 5 मिनट तक ऐसे ही लगाने के बाद फिर 3 से 4 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए पानी लगाकर 3 से 4 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से उस पर मसाज करें। इस तरीके से इससे अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम दूर होगी, जो पोर्स बहुत लार्ज हो जाते हैं वो क्लोज होंगे और स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स हैं उनकी भी प्रॉब्लम दूर होगी। इस तरीके से 3 से 4 मिनट मसाज करें और फिर अपने स्किन को, अपने हाथ को, फेस को, जहाँ भी आपने इसे अप्लाई किया उसे वॉश कर लें।
तो ये थी हमारी हल्दी चंदन सोप को बनाने की रेमेडी और उसे यूज़ करने का तरीका। इस सोप के यूज़ से स्किन पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक बार इस हल्दी चंदन सोप को ज़रूर ट्राई करना और अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना, और ये भी बताना कि आपको ये सोप कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।